जय माता दी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। कल का जो रिजल्ट रहा था, दिल्ली बाजार 72 के साथ शुरू करा, फरीदाबाद 65, गाजियाबाद 65, गली 04 और देशावर में आज सुबह 68 देखने को मिली है। मैंने जो आपको अंकगणित बताया था, दिल्ली बाजार में 72 सबसे पहले बेहतरीन तरीके से पास हुआ। सत्ता क्यों इस्तेमाल किया था, दुग्गी क्यों ली थी, बिल्कुल सब कुछ सटीक तरीके से बैठा दिया था। उसके बाद खेल ने जो करवट ली है, जो नहला 95 के साथ हम सटीक मान रहे थे, बेहतरीन तरीके से उपयोग में लिया। मैंने दिल्ली बाजार में लिया, मैंने गाजियाबाद में लिया, मैंने दिशावर में लिया। आप सभी ने देखा होगा तमाशा कि भैया कंपनी ने किस प्रकार नहले का 6 में उपयोग किया है। 65 पहले यहाँ मारी, फिर यहाँ मारी, उसके बाद आपका 68 यहाँ पर इस्तेमाल किया। ज़्यादा कुछ बोलने को होता नहीं है ऐसे में, क्योंकि अगर आपका एक अंक 3 बार 4 बार खुल जाए, वो आपकी क्रॉसिंग में नहीं है, तो फिर आपकी क्रॉसिंग फेल होना लगभग लगभग लाजमी है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, इस महीने ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी बार क्रॉसिंग फेल हुई हो। दिल्ली बाजार में 72 पास हुई है एक बार, पिछले कई दिनों में आपकी एक एक बार क्रॉसिंग पास हुई है, लेकिन राम जी की कृपा क्रॉसिंग पे लगातार बनी रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं बराबरी पे चीज़ें लेकर चले होंगे आप। जैसा आपको खेल समझाता हूँ, जैसा आपको सिखाता हूँ, खेल उसी प्रकार चलता भी है। आपको बताया हुआ है कि भैया दुग्गी का अंक कैसे घूमता है, पंजे का अंक कैसे दुग्गी में घूम जाता है, 6 कैसे घूम जाता है, 9 कैसे घूम जाता है। तो आप सभी के लिए बस यही है कि सुनते रहो, समझते रहो और अपना खेल बनाते रहो। यहाँ पे आपका क्रॉसिंग पास है, दुग्गी पास है। बताया था ना कि भैया दुग्गी या पंजा बेहतरीन है। यहाँ पे आपका पंजा पास है, 95 दे रखी है, बेहतरीन तरीके से दे रखी है कि भैया गाजियाबाद में 95 मजबूत रहेगी। छक्का बन गया 65 का, यहाँ का तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है, यहाँ का देख लो खेल कितना लाजवाब था। उसके बाद अपना दिशावर में 68 आई है। आपको मैंने बता दिया था कि भैया 9 का अंक तो मजबूत है ही, लेकिन हो सकता है सुबह शनिवार की ट्रिक लग जाए, 8 या तिग्गी खुल जाए। अगर वीडियो सुनोगे तो भैया आपको फ़ायदा मिलने के समीकरण बनेंगे। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जोड़ियों पर देखोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्किप कर करके वीडियो को देखोगे, तो आप ना वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे जिसकी आप उम्मीद करते हो, या जिस पासिंग के लिए आप अपने आप में खोजते हो कि भैया यार कहीं कोई पासिंग मिल जाए, मेरा ये वाला खर्चा निकल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। आदमी 30 दिन नौकरी करता है, उसके बाद जाकर उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। अब आप सोच के देखो कि 30 दिन का परिश्रम करने के बाद आदमी कुछ रुपया अर्जित कर पाता है। अगर आप ध्यान से अंकगणित को समझोगे, चाल को समझोगे, देखोगे, भालोगे कि हाँ भैया इसके बाद तो ये जोड़ियाँ काम कर रही हैं, 10 में से 5 बार 7 बार ट्रिक काम करती है, तो उस ट्रिक का फ़ायदा कैसे नहीं लिया जा सकता। आप देखो, बस थोड़ा सा किस्मत की भी बात इसमें ज़रूरी होती है। अब मेरा खेल देख लो, मैं दिल्ली बाजार में आपका समझ गया था कि भैया 95 का खेल मजबूत है, लेके बैठा हुआ था। 25 का खेल मैंने आपको कल ही बताया था, टेलीग्राम पे अपडेट किया था, श्री गणेश ने खोल दिया। 25 के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना कि भैया गली में मैंने 25 खेली थी बहुत मोटी, नहीं खुली, कल श्री गणेश में खुली है। 27-72 मैंने आपको टेलीग्राम पर दी थी, जब हमने 11 देखा था आपका फरीदाबाद का, 11 देखने के बाद अपडेट किया था, कल 72 यहाँ पर आ गई। अंक गणित यहीं से चलेगा, बस समस्या ये है कि आगे पीछे चलेगा या एक आधा दिन लेट चलेगा। अगर जिसने ये चीज़ समझ ली, जिसने ये चीज़ भांप ली, वो तो विजेता बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को एक ही लोकेशन में खेलना है और उसी लोकेशन में पासिंग चाहिए, ऐसा ज़्यादातर सूरतों में संभव होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, आदमी अगर प्रयास करेगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन चीज़ें अगर हम थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा देख भाल कर चलें, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। मैं अंकों से रोज़ाना रूबरू होता हूँ, मेरा काम है 365 दिनों की भैया मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी दिन अगर चूक जाऊँ तो बात अलग है, वरना रोज़ाना आपके लिए कुछ ना कुछ अंकों पर चर्चा करनी है, काम करना है, रोज़ाना आपको चीज़ें बतानी है। तो आप समझ सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं चूक जाता हूँ। तो चीज़ें हैं, होती रहेंगी, हम ही चूकेंगे, हम ही पकड़ेंगे, हम ही चूकेंगे, हम ही पकड़ेंगे, ये खेल के नियम है। कोई भी आदमी कभी भी किसी भी क्षेत्र में एकदम
तगड़ा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं। तो वो चीज़ें हैं, बस कोशिश रहती है कि हर रोज़ कुछ नया सीख कर, कुछ नया अपडेट कर लें अपने आप को, कुछ नया कवर कर लें कि भैया अगली बार ये चूक ना हो पाए। लेकिन खेल है, सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी खुलनी है, उस एक जोड़ी के लिए सारी मेहनत सारी मशक्क़त लगती है कि भैया यहाँ पर ये वाला देख लेना, यहाँ पर ये वाला देख लेना। अब वो कितनी बार पास होगी, कितसे ज़्यादा ही बार फेल होगी। तो ये एक सुनने लायक बातें हैं, अगर आप सुनोगे समझोगे तो शायद अपने आप को और परिपक्व करोगे और मजबूत कर लोगे कि हाँ, आत्मविश्वास से भर देने वाली बातें कि भैया अगर चीज़ें ठीक से की तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। अब यहाँ से आज के अंकगणित की तरफ बढ़ते हैं। अंकगणित में आज का जो खेल है वो 6 बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। कल अपना 2 बार 3 बार दिखा है तो आज भी खुलने की संभावनाएं हैं। अपना 8 का अंक मजबूत है, 3 के अंक पर विश्वास दिखा लो, 7 के अंक पर विश्वास दिखा लो, 5 पर विश्वास दिखा लो और 7 में दुग्गी पर विश्वास दिखा लो। ये अंकगणित निकल कर आया है आज का। 8 और तिग्गी शनिवार का ध्यान रख कर ली है, 7 शनिवार का ध्यान रख के लिया है, 5 शनिवार का ध्यान रख के लिया है, 6 हमारा रनिंग है, दुग्गी हमारी कल फायदेमंद रही थी, तो अंक यहीं पर हैं, सारे अंक यहीं पर हैं, इन्हीं से गेम चलना है। कोशिश यही होती है कि क्रॉसिंग के अंक जब बनाता हूँ तो 2 से 3 पासिंग देने की संभावनाएं ये अंक रखें, मज़ा तब आता है। एक बार पास होता है वो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, 2 बार पास होता है मज़ा आता है, 3री बार पास होता है दम लग जाता है कि हाँ लोग देख कर खुश हो रहे हैं। खेल कर खुश होना हो, खेलें ना खेलें वो बात की बात है, लेकिन अंकगणित जब सब देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ चीज़ें समझने लायक हैं। और ऐसे ही चीज़ें हम अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन ऐसा हमारा ज़रूर आएगा जिस दिन हम अपनी वो सिंगल जोड़ी निकाल पाएंगे जिसके लिए हम दुनिया भर में कमेंट करते फिरते हैं कि भाई जी सिंगल दे दो, भाई जी सिंगल दे दो। कोई सिंगल नहीं दे पाएगा, सिंगल आप खुद निकाल लोगे। बस खेल को समझना सीख लो, खेल को पहचानना सीख लो। अब यहाँ से फटाफट से बात करेंगे विद लोकेशन खेल की। देखो दिल्ली बाज़ार से खेल शुरू होता है हमारा 72 पे, बेहतरीन तरीके से कल शुरुआत हुई। राम जी ने कृपा करी क्रॉसिंग के रूप में, अंक के रूप में, जिस 57 को मैं बोल रहा था कि भैया अगर हम इसे 27 मान लें, कंपनी ने 27 ही मान ली उसे और 27-72 ही खोल दी। अब यहाँ से एक अंक बन रहा है 67 का, लाजवाब तरीके से, क्योंकि लगातार 2 दिन से एक चीज़ नोट की जा रही है, यहाँ पर 57 खुला फिर 72 खुल गया, तो अब कहीं 67 के चांस बन रहे हैं। 67 की ही फैमिली का 62 भी अच्छा रहेगा, 72 के नीचे 62 समीकरण में अच्छा रहेगा। इसके अलावा 62 को मैंने 92 में भी घुमा लिया है, अब एक नज़र आप मार लेना कैसे आपके लिए काम कर सकता है। और ये जोड़ी हमारे लिए गली में लक्की रही थी, 29-92 मैंने रखा था, तो ये चीज़ें हमारे लिए काम में आ सकती हैं। बात अगर अंक की होगी तो यहाँ पे दुग्गी मजबूत रहेगी, दुग्गी की राशि 70 होती है, अगर 70 बनाना हो तो बना के रख लेना। वैसे तो मैंने आपको दुग्गी आपके लिए 62-92 में रख दी है, छक्का आपका 67-62 के साथ मजबूत रख दिया है, एक नज़र मार लेना। तीनों ही जोड़ियाँ अच्छी हैं, आपको हेल्प कर सकती है। अब यहाँ से बढ़ेंगे फरीदाबाद प्लस गाज़ियाबाद में। देखो दोनों जगह एक ही जोड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो खेल आपको एक सा ही मिलेगा, क्योंकि जो खेल यहाँ बनेगा वही खेल यहाँ पर, ट्रिक क्योंकि एक ही होती है ना, ट्रिक अलग थोड़ी होती है कि भैया फरीदाबाद में अलग लगा दी, गाज़ियाबाद में अलग लगा दी। हाँ हो सकता है कि जो जोड़ियाँ मैं बताऊँ फरीदाबाद के लिए वो गाज़ियाबाद में खुल जाए, क्योंकि सबका खोलने का तरीका अपना अपना होता है, फरीदाबाद कौन सी जोड़ी पसंद करती है कौन सी नहीं करती। लेकिन हाल फिलहाल में जो देखा जा रहा है वो ये है कि भैया दोनों जगह पर सेम नंबर सेम जोड़ी खुली हुई है, तो भैया फरीदाबाद प्लस गाज़ियाबाद के लिए जो आपको बढ़िया से काम में आने को देखने को मिल सकता है उसके हिसाब से आपका 85 का समीकरण काफ़ी अच्छा है, समीकरण 75 का अच्छा है, इसके अलावा समीकरण यहाँ पर 15 का अच्छा है। अब देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको खेल समझा दूँ, मैंने घटाया है बढ़ाया है, ट्रिक का ध्यान रखा है कि भैया 8 खुला हुआ है नीचे तो 5 लगा दिया, 65 पे 75 खुलने के समीकरण अच्छे हैं, 65 की राशि अच्छी है 15। मैंने खेल को बिल्कुल नज़दीक में रखा है। आपने हमेशा मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा, जहाँ पे दिया रखा होता है ना अगर वहाँ पे सुई गिर जाए तो आपको सुई नहीं मिलेगी, लेकिन अगर दिया जहाँ पे रखा है कोसों दूर से दिख जाता है कि भैया वहाँ पे एक दीपक ज्वलित हो रहा है, वहाँ पे दीपक जल रहा है, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो मुहावरे होते हैं, जो चीज़ें होती है ना, उदाहरण होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, हमारा बेसिक मजबूत करने के लिए। तो मैंने उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही आपके लिए जोड़ियाँ बनाई हैं, जोड़ियाँ तीनों ही अच्छी हैं। अब तीनों जोड़ियों का खेल लाजवाब है। यहाँ से इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है वो हो सकता है कि भैया 65 पे 65 रिपीट हो सकती है दोनों कंपनियों में से कहीं पर भी, कोई बड़ी बात नहीं है, कल कंपनी ने 65 खोला आज भी खोल सकती है। इसके अलावा 65 का 95
आज भी मजबूत रहेगा। एक नजर मार लेना, जोड़ियां ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन खेल आपके लिए ऐसा है जो आपको किफायती हो सकता है, जो आपको फायदेमंद रह सकता है। जोड़ियां जब ज्यादा होती हैं तो समीकरण पास होने के भी ज्यादा होते हैं, ये बात भी आप अपने पास लिख कर रख लेना। अगर हम 2 और 3 5 10 जोड़ियों के साथ खेल खेलेंगे तो भैया 2 और 3 5 पलट पलट के साथ मानो 10 जोड़ियां, 10 जोड़ियों का मतलब है कि आपके जीतने के 10% चांस हैं। जब आप 4 जोड़ियों के साथ खेलोगे तो आपके जीतने के 4% चांस हैं, क्योंकि नंबर एक खुलेगा 100 में से खुलेगा, तो 100 में से सीधी सीधी परसेंट कट जाती है कि भैया अगर मैं 4 जोड़ी या सिंगल जोड़ी खेलूंगा तो मेरा 1% चांस है, 1% मेरा समीकरण बनेगा कि मैं जीतूंगा, अन्यथा 99% चांस है कि कंपनी जीते। हो सकता है आप 1% में जीत जाएं, हो सकता है आप 70% में भी ना जीतें। तो ये खेल के नियम हैं जो समझने लायक होते हैं कि भैया यहाँ पर ये खेल मजबूत है। दोस्तों अब बात करेंगे गली की, गली में क्या कुछ खास रह सकता है। तो भैया गली में आपके लिए 0-4 के ऊपर जो समीकरण मेरा कहता है, वो कहता है कि भैया आप अपना 0-4 के ऊपर एक तो 63 बना लो, साथ में एक 46-64 बना लो। ये 2 जोड़ियों का समीकरण बन रहा है। अंक यहाँ पर जो लगकर लग सकता है वो लग सकता है 6 का। 0 के बाद 6 और 4 के बाद 6 खुलने के समीकरण अच्छे हैं। लाजवाब समीकरणों के साथ 2 जोड़ियों में काम होने की संभावनाएं लेकर आती है हमारी ये गेम, चांसेस के साथ कि भैया अगर आपका विश्वास बनता हो, कुछ इसमें प्लस माइनस करना हो तो कर लेना। खेल मजबूत है, चांस लेकर आएगा। अब यहाँ से आज की आखिरी लोकेशन जो कि है दिशावर की, उस पर बात करेंगे। दिशावर में आपका 68 के ऊपर क्या कुछ कर सकता है। तो हमने जो कल खेल निकाला था वो निकाला था कि भैया 98 पे 95 और 98 पे 97 बन सकती है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपना 8 रिपीट कर लिया। 98 जो 9 था उसे 6 में घुमाया, 8 सेम रख लिया, 68 बना दिया। आज कंपनी 68 के ऊपर 65 और 95, ये जोड़ी मैंने आपको फरीदाबाद गाजियाबाद में भी दी है, ये जोड़ी मैं आपको यहाँ पर भी दे रहा हूँ क्योंकि इसके समीकरण अच्छे हैं। यहाँ पर जो अंक लगेगा वो 5 का लग सकता है और गेम पास होने की बेहतरीन संभावनाएं बन रही हैं। राम जी ने कृपा कर दी तो आपका खेल जो है यहीं कहीं रह सकता है, जो मैंने आपको आज बताया है। खास है, वीडियो में दम है, त्यौहार है, त्यौहार है तो गिफ्ट भी मिलना तय है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, आपको फायदा दिलाकर जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।